नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले डीआरडीओ की ड्राइवर भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इस भर्ती को लेकर के अभ्यर्थी बेहद परेशान है कि आखिरकार जो प्रीवियस ईयर की भर्ती थी उसमें कट ऑफ कितनी देखने को मिली थी, और जो हाल फिलहाल में भर्ती रनिंग में चल रही है, जिसके अभी हाल फिलहाल में एडमिट कार्ड जारी किए गए, इसके ट्रेड टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, इसकी लगभग कट ऑफ कितनी देखने को मिल सकती है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपने तैयारी कहां से की है। इसी के साथ दोस्तों बात करें तो आपके कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आप क्या फाइनल कट ऑफ के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी देखने को मिलेगी, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहे हैं उसके लिए दोस्तों आपको तैयारी बेहतरीन अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी को नहीं पता कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली, क्योंकि दोस्तों अगर ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा सा हाई लेवल पर कंडक्ट करवा लिया तो कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। फिर भी दोस्तों हमारा धर्म है कि हमें तैयारी करनी चाहिए। अगर हम एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं तो हमें ट्रेड टेस्ट की तैयारी 100% करनी ही चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी ड्राइविंग स्कूल है, माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल। लोकेशन की बात करें तो रामपुरा रोड, जयपुर बीकानेर बाईपास, दोद चौराहा, सीकर, जो कि राजस्थान में, सीकर राजस्थान में अपना ये सेंटर है। यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी करवाई जाती है। कौन कौन से व्हीकल मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, टाटा 407 है, एस मॉडल ट्रक है और बस है। सारे व्हीकल रिवर्स में, फॉरवर्ड में, साथ ही रैंप है, एट ऑप्टिकल है, जिगजैग है, सारे ऑप्टिकल। मैं आपको ऑप्टिकल भी एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्टिकल है। ये आपके सामने ग्राउंड है, ये अपनी अकेडमी जो आप देख रहे हैं, इसी के साथ में वॉलीबॉल का ग्राउंड है, ये आपका पार्क है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो सारे ऑप्टिकल यहाँ पर बने हुए, ये एस मॉडल का एच ऑप्टिकल है, ये बोलेरो का एट ऑप्टिकल है। आगे दोस्तों बात करते हैं ये बस का एट ऑप्टिकल है। एक बड़ी बात बता देता हूँ कि हम सारे व्हीकल, जितने भी व्हीकल है, सारे फॉरवर्ड में और रिवर्स में, सभी दिशा में हम आपको गाड़ी चलवाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बात कर दो, यहाँ पर आपका रैंप बना हुआ है, ये आपका एस मॉडल का एट ऑप्टिकल है। आगे दोस्तों ये बोलेरो का जिगजैग बना हुआ है, ये टाटा 407 का एच ऑप्टिकल है, ये दोस्तों टाटा 407 का एट ऑप्टिकल है, और ये टाटा 407 का जिगजैग बना हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों एक दूसरा ग्राउंड है, उसमें भी आपके अलग अलग ऑप्टिकल और बने हुए हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल। और अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमने हमारे नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कि आखिरकार फीस कितनी है। 10 दिन 20 दिन और 30 दिन तीनों बैचेज हमारे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि आखिरकार कट ऑफ है वो लगभग कितनी देखने को मिल सकती है, और पिछली भर्ती में कट ऑफ कितनी रही थी। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की पिछली बार जो कट ऑफ है वो 94, जो कट ऑफ है वो 94.63 के आसपास आपको देखने को मिली थी। ओबीसी की 98.65 थी, एससी की 90.60 है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की 85 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि 2023 की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी रह सकती है, जी दोस्तों एक्सेप्टेड कट ऑफ बताया जा रही है, इसे 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी रह सकती है, क्योंकि दोस्तों किसी को एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है। इसी के साथ में दोस्तों बात करें तो ट्रेड टेस्ट पर निर्भर रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि ट्रेड टेस्ट हाई लेवल पर हुआ तो कट ऑफ कम है, और ट्रेड टेस्ट थोड़ा सा भी इजी लेवल पर हुआ तो कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन यह बात निश्चित है कि डीआरडीओ का जो ट्रेड टेस्ट है वो बढ़िया से बढ़िया लेवल का कंडक्ट करवाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपके 80+ नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको अभी से ट्रेड टेस्ट की तैयारी में जुट जाना चाहिए। मैं नहीं ये बोल रहा कि आप हमारे पास में आइए, जहां पर आपको अच्छा लग रहा है वहां पर ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन एक बार तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा नंबर है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। आगे दोस्तों बात करें ओबीसी कैटेगरी में भी, अगर आपके 80 से 85 के आसपास नंबर है, अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में 80 से 85 का क्राइटेरिया, यहाँ पर 94 और 98 का है, तो मेरे दोस्त 94 और 98 का वैकेंसीज का भी डिफरेंस काफी ज्यादा है, पिछली बार की जो वैकेंसीज है और इस बार की जो वैकेंसीज है उनमें भी। आगे दोस्तों ऐसी कैटेगरी की बात करें तो आपके 75+ नंबर हैं तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, 85.57 थी पिछली बार, इस बार अगर आपके 75 के आसपास नंबर है तो मेरे दोस्त तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।